मेरा सदगुरु बगजा राम नाम है मेरा सदगुरु बगजा राम नाम है सब खारा लागे सकल काम सब खारा लागे सकल काम जगत जाल को मेजो फंदरे जगत जाल को मेजो फंदरे दूर कियो दुख और धुंदरे दूर कियो दुख और धुंद जन्म मरण रो पायो निपार रे जन्म मरण रो पायो निपार मेरो जन्म सपन में यो अब की वार मेरे जन्म सपन में यो अब की वार मेरा सदगुरु बगेशा राम नाम है मेरा सदगुरु बगेशा राम नाम है सब हारा लागे सकल काम हारा लागे सकल काम गुरु जी से पाया आगम भीमे सत गुरु जी से पाया आगम भीमे देखी राम शब्द की सकल सेवे देखी राम शब्द की सकल सेवे मेरा सदगुरु बगेशा राम नाम है मेरा सदगुरु बगेशा राम नाम है सब हारा लागे सकल काम हारा लागे सकल काम सब मैं देख राम राम रे सब मैं देख राम राम सुख समीश तुल भयो एक याम सुख समीश तुल भयो एक याम किसको भजूं तजु कौन ही नरे किसको भजूं तजु कौन ही ने मेरी सुरद शब्द में बैर लीन मेरी सुरद शब्द में बैर लीन मेरा सदगुरु बगेशा राम नाम है मेरा सदगुरु बगेशा राम नाम है सब हारा लागे सकल काम हारा लागे सकल काम जप तप करनी करुण कोय रे जप तप करनी करुण कोय राम बिना मुगति होय राम बिना मुगति होय राम चरण हम की राख रे राम चरण हम की राख अंधकोट संत भरत साख रे अंधकोट संत भरत साख सदगुरु बगेशा राम नाम है मेरा सदगुरु बगेशा राम नाम है सब हारा लागे सकल काम हारा लागे सकल काम
संत माता ननुक्षु कहता है, जिज्ञासु याचक कहता है, गुरुदेव दानी के सामने मैंने याचना की, सदगुरु ने ऐसा दान दिया, सदा के लिए हमारी गरीबी मिट गई, दीनता मिट गई, भाई बहन लौकिक धन चाहे कितना मिल जाए गरीबी नहीं मिट सकती, कितना धन मिल जाए लौकिक धन मिलने से गरीबी मिटती नहीं, गरीबी और बढ़ जाती है। वो कैसे, जब हम संतों की महावाक्य श्रवण करें और उनका अर्थ को समझे तो कबूल करना ही पड़ेगा। लौकिक धन जितना कितना मिल जाए, सारा संसार विश्व का राज्य मिल जाए, फिर भी गरीबी नहीं मिट सकती। कैसे नहीं मिट सकती? महापुरुष कहते हैं गरीबी और बढ़ जाती है, गरीबी मिटती नहीं। कैसे? जो 10-20-50 होई हजार लाख मंगे, कोटि अरब खरब असंख्य दरापति होने की चाय जगेगी, स्वर्ग मर्त पाताल को राज करो अतिसना अतिक ही आग जगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबू नहीं पगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबू नहीं पगेगी, तेरी तो भूख कबू नहीं भगेगी। बोलो राम जी महाराज। लौकिक धन को लेकर के किसी की गरीबी नहीं मिटी है, गरीबी और बढ़ जाती है, तृष्णा बढ़ जाती, इतना और हो जाए, इतना और हो जाए, इतना और हो जाए, गरीबी मिटी कहां और बड़ी है। परंतु भाई बहनों, जिसने सच्चा धन पाया, सच्ची संपत्ति पाई है, जिनको सच्चा धन मिल गया, उनके जीवन में फिर पाने की कोई इच्छा नहीं रहती है। लौकिक धन कितना मिल जाए फिर इच्छा रहती है, फिर और दौड़ लगाता, मिला है वो मिला, भासता मिला कुछ नहीं। लौकिक धन एक मृत जल की भांति है, मृत जल दिखाई देता है सूर्य की गर्मी के प्रभाव से। देखो हम कभी बस में बैठ करके रोड पर चलते हैं तो गर्मी के समय में रोड पर जल दिखाई देता, उनको मृत जल कहते हैं। मृगा प्यासा है और उस मृत जल को देकर के दौड़ लगाता है, अब तो ये निकट आया, अब तो समीप पहुंच गया मैं जल के, जितना दौड़ता है उतना ही वो आगे ही आगे दिखाई देता है कि वो जल है ही नहीं। जल होता सच्चे तो मिलता महाराज, कितना दूर होता, थोड़ी सी देरी लगती पास में पहुंचने में। जल नहीं है वो तो भासता है जल, इसलिए दौड़ लगाई फिर भी मिला नहीं, फिर आगे दिखाई देता, फिर आगे दौड़ता और दौड़ता है। जल भासता पर जल है नहीं इसलिए वो मिलता नहीं,
ऐसे भाई बहन संसारी जो धन संपत्ति सुख सुविधा भासती है, लगता है कि ये इतना मिल गया, इतना मिल गया, इतना मिल जाएगा, मिला कुछ नहीं है। मृग जल कितना दौड़ो नहीं मिलेगा, जल है ही नहीं, जल मिलेगा कैसे। पर सच्चा कोई कहते हैं जल सागर में तलाई में भरा है, और उधर मिर्गा दौड़ लगावे, दूर से दौड़ता है, थोड़ी सी देरी लगेगी पर जल मिल जाएगा, जल है सच्चा तो मिलेगा। इसी तरह भाई बहन लोकिक धन तो मृग जल की बात है, कितना दौड़ो मिलेगा नहीं, फिर होता है लगता है कि और मिल जाएगा, और पालू में और कर लू, अंत में निराश होकर के जीव प्राणी यहां से जाता है। परंतु जिन्होंने सच्चा धन पाया है उनके जीवन में तृप्ति हो गई है, फिर पाने की इच्छा नहीं रही है। परमात्मा का नाम ही सच्चा धन सच्ची संपत्ति है, और जिस भाई बहनों ने इस धन को पाया है उनके जीवन में और कोई इच्छा नहीं रही है। इसलिए मुमुक्षु कहता है सदगुरु भग श्याराम नाम सब खारा लागे सकल काम, सब खारा लागे सकल काम। सच्चा धन मिल गया, सच्ची संपत्ति मिल गई, अब संसारी कार्य कारोबार अच्छा नहीं लगता है। जगत जाल को मेट्यो फंद, दूर कियो दुख और द्वंद, जन्म मरण को पायो निपार, जन्म सफल भयो अब की वार, जन्म मरण को पायो निपार, जन्म सफल भयो अब की वार, जन्म सफल भयो अब की वार। श्री सदगुरु जी महाराज जिस भाई बहनों को गुरुदेव के द्वारा ये नाम संपत्ति मिली है उनको गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए, अपना आप को धनवान मानो, कंगाल नहीं, धनवान। जन्म मरण को पायो नहीं पार, जन्म सफल भयो अब की बार। कितनी कितनी युनिया में दीन होकर के गरीब होकर के भटकता रहा, परंतु अब के गुरुदेव ने उस दीनता से छुड़ा दिया, गरीबी को मिट दिया। जन्म मरण को पायो नहीं पार, विचार करो भाई बहन यहां से छूटते ही कहां जाओगे, शरीर तो छूटेगा जिनमें कोई संदेह नहीं है। फरमाया महापुरुषों ने मरना है रीणा नहीं, जामे फेर अनुसार, मरना है रीणा नहीं, जामे फेर अनुसार, जन दरिया बेमान के अपना राम समान, जन दरिया बेमान के अपना राम समान, अपना राम समान। श्री सदगुरु जी महाराज मरने में कोई संदेह नहीं भाई बहनों, बहुत मृत्यु हो चुकी है, बहुत मर गए। एक दिन सबका बचपन था, वो बचपन कहां गया भाई, मर गया।
बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इनकी जवानी थी वो कहां गई, मर गई है। मृत्यु एक दिवस नहीं होता, प्रत्येक क्षण होता है। यहां आकर के बैठे हैं, आने के बाद ही बहुत मर गए, घंटा दो घंटा मर गए, बोलते बोलते सांस सांस मर गए। मरने में कोई संदेह है ही नहीं, शरीर छूटेगा कहां जाओगे। भाई बहन करो उपाय, करो यतन, करो साधन। अगर और किसी की मां के घर में जाना नहीं पड़े, जहां से हम बिछड़े हैं वहां जाकर के हम स्थिर हो जाए। जीव कहां से आया है, सतलोक से क्यों आया है, कुछ करने के लिए आया है, कुछ सफर करने के लिए, कुछ कमाई करने के लिए आया है, बहुत ऊंचा सौदा करने के लिए। पर यहां आकर के जिस सौदा के लिए आए है वो सौदा भूल गया, दूसरा सौदा शुरू कर दिया, उन सौदा में घाटा लगा। महाराज मूल पूंजी खो बैठे। आप हम सब भाई बहन इस संसार में आए हैं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सब तुम लोग जमरी बन करके आए। जमरी का बहुत बड़ा व्यापार होता है, हीरों का व्यापार, हीरा कितना कीमती होता है। आप हम सब भाई बहन जमरी बनकर के संसार में आए हैं, हीरों का व्यापार के लिए। यहां आकर के संसारी लोगों के कुसंग से हमारा असली व्यापार छूट गया, संसार के कुसंग में लग गए, मूल पूंजी को खो बैठे। मनुष्य जीवन अपनी मूल पूंजी है। जमरी बनकर आयो जगत में, खोटा किया बिपारा। जमरी बनकर आयो जगत में, खोटा किया बिपारा। इन बिपार में पूंजी खोई लग चोरा सिरीधारा। इन बिपार मये पूंजी खोई लग चोरा सिरीधारा, लग चोरा सिरीधारा। श्री सदगुरु जी महाराज आप हम सब है वे जवरी बनकर के आए, परमात्मा का नाम रूपी हीरा का व्यापार के लिए। पर यह आकर के निंदा चुगला बुराया राग द्वेष खड़ खरीदनी शुरू की है। जमरी जैसा बड़ा व्यापारी खड़ का सौदा करे तो शोभा नहीं देता महाराज। इन व्यापार में पूंजी गमाई लग चोरा सिरीधारा। ये मनुष्य जीवन मूल पूंजी है, इनको तुम हार जाओगे, जीवन हार जाओगे। संतों ने महापुरुषों ने सावधानी दी है, जिस सौदा के लिए आए हैं वो सौदा करो भाई बहन, वो सौदा करो।
नहीं तो अंत में पीसा साफ होगा, अंत में रोना होगा। चूक गए तो फिर रोना ही रोना है। यहां से छूटते ही जीव को और कितना भटकना होगा, कहां का योनियों में अनेक प्रकार के दुखों से सामना करना होगा। संत और शास्त्र कहते हैं मनुष्य शरीर से छूटते ही जिन्होंने भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, उन जीव को ये शरीर छूटते ही खिलाड़े की गेंद की दशा होती है। खिलाड़ी लोग गेंद खेलते हैं, खिलाड़ियों का दो पक्ष होता है, एक इधर एक इधर, बीच में गेंद होता है। अब गेंद खिलाड़ियों की कोई पक्ष में जाओ, उस गेंद को लात ही मिलेगी, ठोकर मिलेगी, मारी मिलेगी। महाराज खिलाड़ियों की कोई पक्ष में जाओ, आदर नहीं महाराज, उनको मारी मिलती, ठोकरी मिलती, इधर से इधर वो गेंद भटकती रहती है। तो भाई बहनों जिसलिए आए संसार में वो बेपार कर, वो बेपार कर, हम नाम का जो बेपार करने के लिए आए हैं। इसलिए यहां फरमाया है जन्म मरण को पायो नहीं पार। खिलाड़ी की गेंद की नई जीव बहुत भटका है, और बात समझ में नहीं तो और भटकना ही होगा, क्या करोगे, यहां से छूटते कहां जाओगे महाराज। सदगुरु कबीर साहब ने संदेश दिया है, लग चौरासी भटकत भटकत अब के किनारो आयो, लग चौरासी भटकत भटकत अब के किनारो आयो, यो अवसर थारो चूक गयो तो कट ठिकानो ठायो, यो अवसर थारो चूक गयो तो कट ठिकानो ठायो, कट ठिकानो ठायो। सदगुरु जी महाराज यहां से छूट गए कहां जाओगे महाराज। इसलिए कुछ कमाई करो, जिसलिए आए हैं वो साधना करो। इसलिए मुमुक्षु कहता है, जिज्ञासु कहता है, सदगुरु ने ऐसी कृपा की, ऐसा दान दिया, ऐसा द्रव्य धन दिया जिनसे हमारी सदाकालिक गरीबी मिट गई। जगत जाल को मेटो फंद, दूर कियो दुख और द्वंद, जन्म मरण को पायो नी पार, जन्म सफल भयो अब की वार, जन्म मरण को पायो नी पार, जन्म सफल भयो अब की वार, जन्म सफल भयो अब की वार। फिर सदगुरु जी महाराज अब के हमारा जन्म सफल हो गया, सार्थक हो गया। सर्व संत मातावा।